पीएफ घोटाले के खुलासे को लेकर यूवी इंडिया न्यूज लगातार पुरजोर कोशिश कर रहा है। पिछली दो वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे पीएफ घोटाला किया जा रहा है और कैसे पीएफ विभाग के द्वारा एबीआरवाई के नाम पर कंपनियों का जमकर शोषण किया जा रहा है। आखिर क्यों नोएडा पीएफ विभाग दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, यही है हमारा आज का मुद्दा। और पूरे मामले को बारीकी से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीएफ विभाग के द्वारा एबीआरवाई के नाम पर कंपनियों का जमकर शोषण किया जा रहा है और कंपनियों को नोटिस भेजकर उनको धमकाने का कार्य विभाग द्वारा जारी है। एबीआरवाई सरकार की ऐसी स्कीम है जिसमें कोई भी कंपनी जब अपने कर्मचारियों को रजिस्टर करती है तो विभाग की वेबसाइट स्वयं उसकी योग्यता निर्धारित करती है और कंपनी इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अब इसका खामियाजा कंपनी वालों को भुगतना पड़ रहा है। जहां पर मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहीं कुछ सरकारी बाबू सरकार की योजना पर पलीता लगाने का कार्य लगातार करते नजर आ रहे हैं। वहीं पीएफ विभाग नोएडा द्वारा पीएफ स्कैम में दोषी लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश लगातार हो रही है। विभाग को चिंता है कि कहीं उसकी भी पोल न खुल जाए, इसलिए विभाग स्कैम में दोषी लोगों को बचाने की भरसक कोशिश कर रहा है। पीएफ विभाग द्वारा दोषियों को पकड़ने के बजाय कंपनियों को धमकाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जिन कंपनियों में स्कैम किया गया है उन कंपनी मालिकों को धमका कर उनसे वसूली की जा रही है। 6 करोड़ के घोटाले के तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं और विभाग के किन अधिकारियों की मिलीभगत से दोषियों को बचाया जा रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक और, उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। उत्तर प्रदेश के हृदय एवं उद्योगों के शहर गौतम बुद्ध नगर में विदेशों से कंपनियों को बुलाया जा रहा है ताकि यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन कुछ अधिकारियों ने सरकार की मंशा पर पानी फेरने का मन बना लिया है और चाहते हैं कि सरकार की मंशा को विफल कर दिया जाए। ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारी अभी भी पिछली अखिलेश सरकार की मदद कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूवी इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।